अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश के लेटर और नंबर लिखना तो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जब उन्हें हिंदी के अक्षर लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनमें कर्व्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ये अक्षर घुमावदार ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके बच्चे को भी हिंदी लिखने में कठिनाई महसूस होती है तो आज की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ इजी मेथड जिससे कि बच्चे बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हिंदी के अक्षर लिखना सीख जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को स्वर लिखना कैसे सिखाएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी लिखना सिखाने के लिए बच्चों को आप पहले स्वर लिखना सिखाएं, इसके बाद व्यंजन लिखना सिखाएं। स्वर में भी पहले हम उन अक्षरों को सिखाएंगे जो लिखने में आसान है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा आसान कौन है? उ। ये थोड़ा सा कुछ नंबर 3 जैसा दिखाई देता है और बच्चे इसे जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद हम सिखाएंगे बड़ा उ और फिर अ। अगर बच्चा आ बनाना सीख लेगा तो बाकी के भी कुछ अक्षर हैं जो वो जल्दी सीख पाएगा, जैसे कि बड़ा आ, ओ, औ, अंग, अह, क्योंकि ये सारे एक जैसे ही हैं, इनमें थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है। तो चलिए बनाते हैं अक्षर उ। उ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन के बीच हमने एक इन्वर्टेड कर्व बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद एक और इन्वर्टेड कर्व और इसे हम खींच करके ले जाएंगे इसी लाइन तक इस तरीके से, और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर से देखते हैं, इस तरीके से इन्वर्टेड कर्व, एक और इन्वर्टेड कर्व और इसे हम खींच के ले जाएंगे यहाँ तक, और फिर इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। अगर आपके बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसे डॉट दे करके भी सिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिए 3 डॉट्स और अब इस डॉट को मिलाएंगे इस डॉट से, एक बन गया इन्वर्टेड कर्व, और इस डॉट से मिला देंगे इस डॉट को, और इसे यहाँ पर एक डॉट और लगा दीजिए, बच्चा इसको खींच के यहाँ मिला दे, और इसके ऊपर हो गया स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा छोटा उ। अब हम बनाते हैं बड़ा उ। यहाँ से एक हमने लिया इन्वर्टेड कर्व, ये दूसरा इन्वर्टेड कर्व और इसे खींच के ले जाएंगे इस लाइन तक, और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, और इसके बगल से हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और ये नीचे इस तरीके से डाउन कर्व। इसके बाद हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, अ बनाना। तो अ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से एक इन्वर्टेड कर्व, ये सेकेंड इन्वर्टेड कर्व और इसे ले जाएंगे यहाँ ऊपर तक, इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं शिरोरेखा। और इसे लगाते समय आप ध्यान रखिए कि ये इस वर्ण के ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ इस लाइन के ऊपर लगेगा और यहाँ थोड़ा सा आगे तक। आप किसी भी पुस्तक में देख लीजिए, अ के ऊपर कभी भी ये शिरोरेखा नहीं लगती है, तो बच्चों को सही लिखना सिखाइए, ये हमेशा यहाँ पर लगेगा। फिर से देखते हैं डॉट के थ्रू, इस तरीके से 3 डॉट दे दीजिए बच्चे को, यहाँ से यहाँ पर एक कर्व लाइन, फिर ये दूसरा कर्व और इसे ले जाएंगे थोड़ा ऊपर तक, यहाँ पर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर फिर से एक स्लीपिंग लाइन। बड़ा आ बनाने के लिए क्या करना है, इसी तरीके से हमें एक कर्व लेना है, ये दूसरा कर्व, इसे ले जाएंगे ऊपर, यहाँ पर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ये हो गई स्टैंडिंग लाइन, और अब इसके बगल में हम एक और स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हो जाएगा स्लीपिंग लाइन। फिर से देखते हैं डॉट के थ्रू, इस तरह 3 डॉट लगाइए, इस डॉट को मिलाया इस डॉट से, इसको मिलाया इससे और यहाँ पर एक और डॉट लगा दीजिए, तो बच्चा इसको यहाँ मिला देगा। इसके बाद ये स्लीपिंग लाइन, इसके बगल में स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और इस तरीके से स्लीपिंग लाइन। बड़ा आ बनाने के बाद हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, अंग और अहा, क्योंकि ये भी सेम ऐसे ही होते हैं। तो फिर से क्या बनाएगा बच्चा, छोटा आ बनाएगा इस तरीके से, और यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना देना है, तो ये हमारा क्या बन गया, अंग, ये हमारा बन गया अंग। इसी तरीके से हम बच्चे को अहा बनाना सिखा सकते हैं, पहले बनाया छोटा आ इस तरीके से, और फिर क्या करना है, यहाँ पर दो बिंदी लगा देनी है, दो डॉट लगा देना है, ये बन गया अहा। इसके बाद हम बच्चे को ओ, ओ सिखाएंगे। ओ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से
पहले छोटा आ बनाएंगे, इन्वर्टेड कर्व, दूसरा इन्वर्टेड कर्व, और ये गया ऊपर। यहाँ से छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, और अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्लांट लाइन और छोटा सा यहाँ पे हमें कर्व दे देना है, इसको घुमा देंगे अंदर। ये हमारा बन गया ओ। ओ बनाने के बाद ऐसे ही बच्चे को औ बनाना सिखा सकते हैं। पहले बना लेना है अ इस तरह से, फिर ये हो गया बड़ा आ। अब ये हमने लगा दी इसकी शिरोरेखा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टू स्लांट लाइन बनवा देना है, ये एक स्लांट लाइन और ये दूसरी स्लांट लाइन, और इसके ऊपर थोड़ा सा गोल, ये बन गया आओ। तो इस तरीके से हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है इन दोनों लाइनों के बीच में। इसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे एक स्लांट लाइन, इसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन, और थोड़ा सा इसे यहाँ पर कर देंगे कर्व, ये बन गया हमारा ए, और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। फिर से देखिए इस तरीके से टू डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर बन गया एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए, थोड़ा सा ये हो गया स्लांट लाइन, फिर यहाँ पर एक डॉट लगाइए, और यहाँ से लाएगा बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर्व कर देगा, उसके बाद ये हो गया इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हो गया ए। ए बनाने के लिए भी हम पहले ए बनाएंगे, तो इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद ये स्लांट लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर इसे कर्व कर देंगे, इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, और अब यहाँ पर ऊपर एक स्लांट लाइन करके इसे थोड़ा सा गोल कर देंगे, और ये बन गया ए। इसके बाद ई बनाना सिखाएंगे। तो ई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे कर्व, और ये दूसरा कर्व, और यहाँ से एक स्लांट लाइन, ये बन गई हमारी ई। फिर से देखते हैं, आप इस तरह से छोटा सा डॉट लगाइए, ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर एक और डॉट लगा दीजिए, तो ये जैसे सी बनता है ना, बिल्कुल वैसा बना देना है, और फिर एक इन्वर्टेड कर्व, बच्चा इधर को घुमा के, और ये बना देगा स्लांट लाइन, बन गई ई। इसी तरीके से हम बच्चों को बड़ी ई सिखाएंगे। इस तरीके से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको इस तरह घुमाएंगे जैसे सी बनता है, फिर इसको इन्वर्टेड कर्व इस तरह घुमा लेंगे, और फिर यहाँ से एक स्लांट लाइन, ये बन गया छोटी ई। अब इसके ऊपर हम एक कर्व लगा देंगे जैसे सी बनता है, बिल्कुल वैसे ही, तो ये हमारी बन गई बड़ी ई। इसके बाद हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, री। थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको सबसे लास्ट में सिखाइए। री बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन्हीं तीन लाइनों के बीच में हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक डॉट, और बच्चे को क्या करना है, टू स्लांट लाइन बनाना है, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन यहाँ से, और इसको हम ऊपर घुमा करके इस तरीके से लाएंगे, और फिर यहाँ से जैसे सी बनता है वैसे बना देंगे, ये बन गया हमारा री। फिर से देखते हैं, एक डॉट, और यहाँ से एक स्लांट लाइन, और ये दूसरी स्लांट लाइन, और ये एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, इसको घुमा करके इस तरीके से, और यहाँ पर जैसे सी बनता है, और फिर ये स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गए हमारे स्वर। आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को सिखाएं, आप देखिएगा बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बच्चे लिखना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।